राहुल गांधी को हराने के लिए बीजेपी ने दो तरीके से रणनीति बनाई थी। पूरे देश में उनकी इमेज पर हमला हुआ, लेकिन साथ ही साथ में उनकी अपनी परंपरागत सीट अमेठी पर भी उनको घेरा गया और अमेठी पर उनको हराया गया। स्मृति ईरानी ने उनको हराया था। ये इतनी बड़ी हार थी कि बीजेपी की बड़ी जीत के बीच में इस हार के चर्चे ज्यादा हो रहे थे। राहुल ने अपनी सीट गंवा दी और ये बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस की। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में बनी रही, अभी भी अमेठी में वो काफ़ी काम करती हैं। अमेठी में कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार उनका आना जाना चलता रहता है। ये जगह, ये परंपरागत सीटें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस के लिए थोड़ा सा वक्त बदला है। भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली, राहुल की जो नई इमेज सामने आई है, ये सारी चीज़ें 2024 में दोबारा राहुल गांधी के चेहरे को प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर खड़ा करने की कवायद दिखाई पड़ती है। लेकिन अब रणनीति ठीक उसी तरह से चल रही है। जैसे दोनों जगह हराया गया था, वैसे ही दोनों जगह जीत का निशाना साधा जा रहा है। तो एक तरफ राहुल की छवि को 2024 के लिहाज से बड़ी छवि बनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन दूसरी तरफ वो परंपरागत सीट वापस राहुल गांधी जीते की तैयारियां भी चल रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। अमेठी लौट सकते हैं राहुल गांधी, ये बहुत बड़ी खबर होगी। हालांकि इसका एक अंदाज़ा आपको हमने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में दिया है कि अमेठी वो जगह है जहाँ पर राहुल गांधी अपनी ताल ठोक सकते हैं और इस बार ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ पर आएंगे। पिछली बार जनता ने उनको नकार दिया था, ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता उन्हें स्वीकार करेगी। हालांकि साथ ही साथ में वायनाड से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि उस वक्त भी उनको चुनावी हवा का अंदाज़ा हो गया था, जिस तरह का माहौल था उत्तर प्रदेश में। वायनाड से वो जीत कर आए और अभी आपने दक्षिण में देखा उनकी लोकप्रियता कैसी है। लेकिन उत्तर भारत परीक्षा का असली केंद्र रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को अपनी खोई हुई ज़मीन हासिल करनी है पूरी पार्टी के लिहाज से भी और अमेठी में राहुल गांधी की अपनी सीट के लिहाज से भी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से भगाया, वो तभी से भागते आ रहे हैं। जिन जगहों पर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उन सभी स्थानों से कांग्रेस को खदेड़ा गया। यही कारण रहा कि राहुल हिमाचल नहीं आ रहे हैं, उन्हें पता था कि हिमाचल की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि हिमाचल में इस बार रिवाज बदलेगा और भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 60 सालों तक देश में राज करने वाली खानदानी पार्टियों के नेता आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। जिन जिन स्थानों पर जाकर राहुल यात्रा कर रहे हैं उन सभी स्थानों से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को जानबूझकर रोके रखा। उन्होंने एम्स, IIM और अटल टनल जैसे कई उदाहरण दिए जो भाजपा सरकार के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत ही परवान चढ़े हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि हिमाचल की जनता 12 नवंबर को कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाकर हर बात का करारा जवाब देगी। अब राजनीतिक प्रतिशोध के लिए अमेठी लौट सकते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये एक बड़ा प्लान कांग्रेस के सामने दिखाई पड़ रहा है, इसकी बहुत संभावना है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी। इसके अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं, खुद का अस्तित्व बचाना भी है। यात्रा में शामिल कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करेगी और आने वाले दिनों में इसका नतीजा साफ दिखेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के देश की सत्ता में वापसी के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इसके लिए पार्टी निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच एकता का मंत्र फूंकने की कोशिश करती दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा के सहारे कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत करने के लिए राजनीतिक देशाटन पर राहुल गांधी निकले हैं। उत्तर प्रदेश को बेशक प्राथमिकता पर न रखा हो, लेकिन गांधी परिवार की प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश की दो परंपरागत लोकसभा सीटों अमेठी और रायबरेली से जुड़ी हुई है। ऐसे में ये चर्चा तेज है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से मात खा चुके राहुल सियासी प्रतिशोध के लिए अमेठी वापसी कर सकते हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का घोषित उद्देश्य चुनावी परिवर्तन नहीं बल्कि देश भर में वैचारिक बदलाव है। इस यात्रा के दौरान हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी नहीं गए। गुजरात को लेकर भी अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस यात्रा के साथ साथ में उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी अपनी ताल ठोकते नजर आएंगे, खासतौर पर अपनी सीट अमेठी पर। आखिर यूपी में राहुल की यात्रा को कम समय क्यों दिया गया, एक बहुत वाजिब सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। हालांकि ये भी बात सही है कि अब जब भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा रिस्पांस दक्षिण में मिला, उसके बाद में सवाल खड़ा होना शुरू हुआ। उससे पहले कोई यात्रा की सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखा हुआ था। अब कांग्रेस जो है उसके कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। एक समय ऐसा भी आ गया था जब राहुल गांधी को नेता चाहते नहीं थे कि वो उनका प्रचार करने के लिए आए। ऐसा माना जाता था कि राहुल गांधी के आने से कहीं नकारात्मक प्रभाव ना पड़ जाए। अब स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब राहुल गांधी की रैलियों की मांग हो रही है, वो चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, लेकिन उनका अपना पहले से तयशुदा कार्यक्रम है। राहुल गांधी की इमेज में बहुत बदलाव आया। अब वो जहाँ जाएंगे वहाँ पर फायदा पहुँचाएंगे कांग्रेस को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये स्थितियाँ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के बाद से बनी है। निश्चित तौर पर अब कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी, आप सोचिए, आप खुद ही एक इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि राहुल गांधी जो लगातार दक्षिण भारत से होते हुए महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश राजस्थान सब जगह प्रवेश करेंगे, वो उत्तर प्रदेश के अमेठी में अब कोई रैली निकालते हैं या जनता के बीच में जाते हैं तो उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। निश्चित तौर पर राहुल गांधी अमेठी में बहुत ताकत के साथ उतर सकते हैं और कांग्रेस कुछ इसी तरह का प्लान बना रही है, वो भी चुनाव से पहले ही इसकी ज़मीन तैयार कर ली जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस के देश की सत्ता में वापसी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए पार्टी निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच एकता का मंत्र फूंकने की कोशिश करती दिख रही है। हालांकि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके गायब हैं। काफ़ी कम इलाकों को ये यात्रा टच करती हुई निकलेगी, इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी इस मामले में कह रहे हैं कि हमें पूरा देश घूमना है, कई राज्य छूट रहे हैं, यूपी में भी इसी कारण काफ़ी समय निर्धारित किया गया है और ये समय जो है थोड़ा कम दिखाई पड़ता है क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतनी सारी सीटें हैं, इतना महत्वपूर्ण राज्य है, इसको लेकर ज़्यादा समय होना चाहिए था, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन एक रिपोर्ट हमने आपको और बताई है कि इस यात्रा के बाद में, क्योंकि ये जनवरी में अगले साल की शुरुआत में ही यात्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद बहुत मुमकिन है छोटी छोटी यात्राओं के कुछ दौर और चलते रहे, क्योंकि आगामी चुनाव के पहले राहुल गांधी उन्हें जो रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है उसको खत्म नहीं होने देना चाहेंगे और कुछ कांग्रेस की भी यही रणनीति होगी। राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे वो उसी राह पर चलेंगे, उनको तय करना है कि उनके कार्यक्रम क्या होंगे। अब राजनीतिक पंडितों के अपने अपने तर्क हैं कि इसको लेकर कितना फ़ायदा होगा, नफा नुकसान क्या होगा, इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं की जा सकती है। एक ऐसा सवाल जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले पड़ाव से उनका पीछा कर रहा है कि सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाला जो उत्तर प्रदेश गांधी नेहरू परिवार का पुराना राजनीतिक क्षेत्र है, वहाँ यात्रा सिर्फ एक ज़िले बुलंदशहर से ही क्यों निकाली जा रही है, यूपी को लेकर इतनी बेरुखी क्यों है। इन प्रश्नों से कतई बेपरवाह गांधी परिवार की अपनी रणनीति है। टीम राहुल से जुड़ी अमेठी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इस यात्रा के बाद राहुल गांधी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी को मथना शुरू कर देंगे। सूत्रों के अनुसार अमेठी सीट दोबारा जीतने की भरसक कोशिश होगी। यही कारण है कि वहां कोई भी दूसरा पार्टी कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है। इसकी पुष्टि पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने भी की है, कहा कि तय हो चुका है राहुल ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल अमेठी गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट रही है। सोनिया गांधी ने जब ये सीट छोड़कर रायबरेली का रुख किया तो 2004 से 2019 तक राहुल ही यहाँ से सांसद रहे। 2019 में वो केरल के वायनाड से भले ही जीतकर संसद पहुंच गए हो, लेकिन जब स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी में हराया तो ये न सिर्फ राहुल बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। बहरहाल राहुल गांधी अब ये वो राहुल गांधी नहीं दिखाई देते जो 2014 और 2019 में थे। राहुल को एक नई इमेज मिलती दिखाई दे रही, एक नई ताकत मिलती दिखाई दे रही। तो उनका मकसद भी सिर्फ अमेठी जीतना नहीं होगा, अमेठी में निश्चित तौर पर इस बार वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देंगे और कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट भी है। कार्यकर्ताओं का, ज़मीनी कार्यकर्ता का उत्साह बहुत ज़रूरी है और वो जब एक बार लौट आता है तो वो अपने नेता के पीछे खड़े होते। कुछ यही स्थिति अभी उत्तर प्रदेश और खास तौर पर अमेठी रायबरेली जैसे क्षेत्रों में राहुल गांधी और कांग्रेस को दिखाई दे सकती है। इस सब के बीच में ये भी तय है, आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने भी एक प्लान दिया था जिसमें उन्होंने चिन्हित किया कि था कि जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह की बातें भी आई थी कि उत्तर प्रदेश में अभी हासिल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कुछ नया प्लान बनाया जा सकता है। पहले जो रूट मैप बनाया गया वो कांग्रेस की पुरानी स्थिति देखते हुए बनाया गया था, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बेशक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी यात्रा ना हो, लेकिन अमेठी को लेकर राहुल गांधी के अपने कुछ नए प्लान हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।